पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय वाराणसी दौरा है। काशी को देंगे 19,000 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। काशी तमिल संगम जो कि सेकेंड एडिशन जिसको 2.0 कहा जा रहा है, इसके दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो करेंगे। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी। और आज प्रधानमंत्री उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को जोड़ने की शुरुआत करेंगे, तो वहीं 2 हफ्ते बाद 2 जनवरी को केरल समागम में 2 लाख महिलाओं से संवाद भी करेंगे, जहां महिलाएं उन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराने को लेकर शुक्रिया अदा भी करेंगी। कुछ और बड़ी बातें आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री के इन 2 समागम का मकसद क्या है, और आइए बिग वॉल के जरिए डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। 17 दिसंबर 2 जनवरी काशी तमिल समागम केरल समागम, ये देखिए दो आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। एक 17 दिसंबर की, जिसमें आज उत्तर दक्षिण की संस्कृति को जोड़ना, साझा विरासत की समझ विकसित करना, और सीधे सीधे जो इसका असर है, इसकी नजर है, वो 39 सीटों पर है। अब सर यहां पर देखिए 2 जनवरी की तारीख भी आप यहां देख लीजिए, नोट करिए, केरल समागम। अब यहां पर क्या, 2 लाख महिलाओं की सभा करना, महिला आरक्षण बिल पर धन्यवाद प्रस्ताव, और इसके यहां पर अब क्या है, 20 सीट पर नजर है, यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है वो साफ तौर पर नजर आती है। चाहे जो आज काशी तमिल समागम जिसके आज से शुरुआत हो रही है, या फिर इसके बाद 2 जनवरी के केरल समागम की बात करें, लेकिन इस बीच सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज यहां पर जो दूसरा संस्करण इसकी शुरुआत हो रही है, जरा विपिन तस्वीरें वहां पर दिखाइए, कैसी तैयारियां है, क्या वहां पर हो रहा है। बिल्कुल करुणा, देखिए मैं इस वक्त वाराणसी के नमो घाट पर मौजूद हूं और काशी तमिल संगम का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी घाट पर शाम को लगभग 5:30 बजे पहुंचेंगे, और तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री का जो स्नेह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक का है, वो यहां पर इन स्टॉल्स में आपको नजर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात ना सिर्फ देश के जनता को बल्कि पूर्वांचल वासियों को और वाराणसी वासियों को भी मिलनी है। और साथ साथ आप देखिए गंगा के घाट पर है, तो माँ गंगा का आचमन करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो ये वो तमाम कार्यक्रम है 26 घंटे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, उसको लेकर तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है, और घाटों को सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है, और जहां पर हम मौजूद है यहां पर बाकायदा काशी तमिल संगम का शुभारंभ करने के लिए कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, और देश विदेश से आए लोगों के से भी मुलाकात करेंगे। साथ साथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बल्कि कई मंत्रियों के साथ साथ तमिलनाडु के भी मंत्रियों को भी यहां पर बुलाया गया है। लगभग 30,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें 1500 लोगों का चयन किया जाएगा, जिन्हें न सिर्फ काशी बल्कि प्रयागराज और अयोध्या के भी दर्शन कराए जाएंगे। साथ साथ 20,000 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं जो पूर्वांचल वासी और वाराणसी वासियों की किस्मत को बदलेगी, वो भी रखा गया, और बहुत सारा कार्यक्रम है, बहुत कुछ सौगाते हैं। और इसी दौरे के साथ माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर देंगे। रामकृपाल जी, एक शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है इस कार्यक्रम के जरिए, या फिर ये कार्यक्रम हो या फिर केरल समागम हो, ये एक शंखनाद है, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु को राजनीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसी माध्यम से ये कोशिश होगी लोगों तक अपना जनाधार बढ़ाने की। निश्चित रूप से निधि जी, एक अभी जो इसके पहले बात हो रही थी, देखिए मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से जो ये नारा दिया गया था कि जुड़ेगा भारत, इसमें कहीं ना कहीं से ये ध्वनित होता है कि भारत टूटा हुआ है। यह नारा ही गलत था, भारत जुड़ा हुआ है, आज से नहीं सदियों से भारत जुड़ा हुआ है। मैं दक्षिण और उत्तर का कोई भेद नहीं रहा है, मैं जब बचपन में था आज से 50-60 साल पहले मैं जानता हूँ, काशी से पढ़ा हुआ हूँ, इतने दक्षिण भारत के लोग उत्तर आते हैं, उत्तर के लोग दक्षिण जाते हैं, ये सांस्कृतिक एकजुटता, सांस्कृतिक रूप से भारत एक है और सदियों से एक रहा है। मेरा कहना यह है कि इसको लगातार इसको मजबूत करने का, जो रिश्ता हमारा सदियों से अटूट है भारत का, उसको एक मजबूत करने की बात है। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि ये जो 2024, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग 2024 पर जब फोकस करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये 2024 तो है ही, आज से 24 साल आगे का मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। 23 में 24 जोड़िएगा तो आएगा 2047। बहुत पहले 3 तारीख का रिजल्ट आने से बहुत पहले मोदी जी कह चुके थे 2047 हमारा लक्ष्य है, विकसित भारत।
और जो भी इस चुनाव के बाद जो चेहरे आए जो भी है जी। बीजेपी एक 2047 के लिए एक तैयार कर रही है, एक लॉन्ग मार्च है, इसमें बहुत सारे चेहरे आएंगे जो नीचे के बहुत दूर क्या देखा जा रहा है, दूर दृष्टि के साथ ये सारे जो कार्यक्रम है सर वो किए जा